देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश की तबाही। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नदी की उफनती लहरों में फंसा युवक। युवक की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चॉपर की मदद से एयरफोर्स ने चलाया बचाव अभियान। कई घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, रात भर लहरों में फंसे युवक को हिम्मत देती रही टीम। चमोली में भूस्खलन की वजह से सड़क पर आए बोल्डर, बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे पूरी तरह ठप। भारी बारिश के बाद रुद्रप्रयाग और केदारनाथ हाईवे बंद, केदारनाथ धाम की यात्रा पर भी पड़ा असर। सुशांत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी से ईडी की पूछताछ, वित्तीय लेनदेन, खर्च और आय पर सवाल। सीए से पूछे जाएंगे रिया की कमाई और निवेश से जुड़े सवाल। रिया और सुशांत के कारोबारी रिश्तों पर भी सीए से पूछेगी ईडी। सुशांत सिंह की आदमी प्रार्थना सभा, बहन श्वेता सिंह ने ट्वीट करके कहा दुनिया भर में 10 लाख लोगों ने इंसाफ की उठाई आवाज। सुशांत को इंसाफ के लिए जस्टिस फॉर सुशांत की नई पहल, लोगों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। सुशांत केस को सुब्रमण्य स्वामी ने महाराज सरकार के लिए बताया वाटरलू और वाटरगेट, कहा जब तक नहीं पकड़ा जाएगा गुनहगार तब तक नहीं छोड़ेंगे पीछा। सोशल मीडिया को लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल, लिखा फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कंट्रोल। राहुल के बाद प्रियंका ने भी बीजेपी पर बोला हमला, कहा फेसबुक से है सांठगांठ। राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा हारे हुए लोगों को पूरी दुनिया आरएसएस और बीजेपी के कंट्रोल में लगती है। संसदीय कमेटी तक पहुंची सोशल मीडिया कंट्रोल की आवाज, सूचना तकनीक के संसदीय समिति के अध्यक्ष बोले समिति के सामने फेसबुक का जवाब बनता है। विवाद गरमाने के बाद फेसबुक की सफाई, हेट स्पीच पर ना तो नेता देखते हैं ना ही पार्टी। देश भर में कोरोना पीड़ितों की संख्या 26,47,000 के पार, एक दिन में करीब 58,000 नए मामले। एक दिन में 944 लोगों ने गवाई जान, मौत का आंकड़ा 50,900 के पार। देश में एक्टिव केसेस की तादाद 6,76,000, 19,19,000 लोगों ने कोरोना को हराया। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले, 288 लोगों की वायरस ने ली जान। दिल्ली में 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए मामले, अब तक 1,51,000 मरीज। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादी हमला, अटैक में सीआरपीएफ के 2 जवानों समेत 3 की शहादत, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के मोरीगढ़ इलाके में उपद्रवियों ने किया हंगामा, गाड़ियों में तोड़फोड़, गोली चलाई। पुलिस को मौके से मिले कारतूस के खोखे, आरोपों के मुताबिक 15 से 20 की संख्या में आए उपद्रवियों ने कई राउंड चलाई गोलियां। गुजरात के नाडियाड में हाईवे पर हुआ भयानक हादसा, 2 कारों की टक्कर में 5 लोगों की मौत, सभी मृतक अहमदाबाद के रहने वाले। हादसे में 5 लोग घायल भी हुए, सभी को नाडियाड के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ की हालत गंभीर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।